हाई गाइज सो इन टू डेज़ वीडियो आई विल बी डी बंकिंग सम कॉलेज मिथ जो कि आप लोगों को सुनने को मिला होगा आप भी यही सोचते होे कि हाँ कॉलेज में तो ऐसा होता है कॉलेज में तो वैसा होता है एंड सो मनी थिंग्स तो आज मैं उनमें से कुछ मिथ्स को डे बंक करने वाली हूँ बहुत सारी नहीं ओबियसली वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी बट सम इंपॉर्टेंट मिथ्स आई विल बी डी बंकिंग इन टू डेज वीडियो सो स्टे टोन एंड वॉट टिल एंड नंबर वन नो स्टडी ओनली फ़न यानी कि कॉलेज में कोई पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है बहुत फ़न है और हमें तो मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई करनी नहीं होगी तो ये बिल्कुल गलत है आपको कॉलेज में भी पढ़ाई करनी होगी येस आई विल से कि स्कूल के जैसा तो प्रेशर नहीं है कि हाँ ये होमवर्क करके लाना है अभी ये क्लास वर्क करो अभी ये क्लास वर्क की नोटबुक है ये होमवर्क की नोटबुक ऐसा नहीं होगा बट येस यू हैव टू स्टडी मतलब आपको पढ़ना होगा और इनफैक्ट यू वॉन्ट टू स्कोर गुड इन एग्जाम तब तो आपको बिल्कुल ही पढ़ना होगा मतलब अगर पास होने की बात है तो आप पास हो सकते हो लास्ट के पाँच एक वीक पहले भी पढ़ के बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आपकी रेगुलर फाइल वर्क होगी तो आपको उसको भी करना होगा तो स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है फॉर बी कॉम बी ए वाले स्टूडेंट उन लोगों को भी पढ़ना होता है साइंस वालों को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है ऑब्वियसली बट कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी होगी बात करूँ मैं फ़न की तो हाँ फन तो आप अकॉर्डिंग आपके कर सकते हो लाइक like, आप कितना फन करना चाहते हो इट डिपेंड्स ऑन यू पढ़ाई करना चाहते हो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू तो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई छूटता नहीं है पढ़ना पड़ता है दूसरी चीज़ सी जी पी ए डजेंट मैटर यानी कि सी जी पी ए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता नॉट एट ऑल तो जब आपकी प्लेसमेंट की बारी आएगी तो बच्चों को सेग्रीगेट जो फर्स्ट बेसिस होता है वो प्लेसमेंट के ऊपर होता है तो इट इज़ बेटर कि आप पूरे साल में एटलीस्ट सेवन पॉइंट फाइव सी जी पी ए और सेवन सी जी पी ए तो ऊपर अपने सी जी पी ए को रखो ही रखो इससे कम मत करना क्योंकि सी जी पी ए डू मैटर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी जी पे डजेंट मैटर तीसरी चीज़ है अटेंडेंस डजेंट मैटर मतलब हम जाएँ कॉलेज या नहीं जाएँ कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं बता रही हूँ फॉर डेही यूनिवर्सिटी अटेंडेंस डू मैटर यहाँ तक कि आप मतलब हंड्रेड क्लासेस करते हो लाइक आई गेस मोर देन नाइन्टी अटेंडेंस है आपका तो आपको पाँच मार्क्स मिलते हैं उसके नीचे आपकी पूरी अटेंडेंस की मतलब पूरी एक लिस्ट है कि इतने परसेंट हैं तो चार नंबर मिलेंगे इतने परसेंट हैं तो, है, तो तीन नंबर मिलेंगे ऐसे करके है फाइव मार्क्स तो अटेंडेंस भी मैटर करती है आपके सिक्सटी सेवन परसेंट के ऊपर अटेंडेंस है तभी आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसके नीचे तो भी मिल जाता है बट फॉर वन और टू सेमेस्टर ओनली शायद ऐसा कुछ है बट अटेंडेंस मैटर करता है तो एक चीज़ और है कंटिन्यूस असेसमेंट के मार्क्स होते हैं ना वो भी टीचर यही देख के देते हैं कि बच्चा कितना रेगुलरली आया है क्लास में तो अटेंडेंस के तो मार्क्स होते हैं पाँच नंबर वो तो ज़्यादा मैटर ही करता बट कंटिन्यूस असेसमेंट के मार्क्स होते हैं ना वो मैटर करता है तो आपको आना पड़ेगा कॉलेज हाँ रोज रोज आना इज नॉट कंपल्सरी कि आप रोज रोज आओ बट रोज रोज आ रहे हो आप तो इट इज़ ओके बट एटलीस्ट आपको सेवेंटी परसेंट तो आना ही होगा बात करते हैं रैगिंग की कि रैगिंग बहुत होती है तो आई विल टॉक अबाउट डेली यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो रैगिंग होती है क्योंकि मैंने जितना सब लोगों से सुना है खुद एक्सपीरियंस किया है तो कोई रैगिंग नहीं होती रैंग जो होती है ना वो मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है जितना कि मैंने सुना है डेली यूनिवर्सिटी में आपको रैगिंग नहीं देखने को मिलेगी और अब सीनियर जो होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं मेजोरिटी फ्रेंडली होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल होता है कुछ भी ऐसा नहीं होता यार कि रैगिंग वगैरह होती है तो बस अब अगली बात है हमारी प्योर प्रेशर फॉर डेटिंग यानी कि आपको डेटिंग करनी ही होगी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने ही चाहिए डेटिंग नहीं करोगे तो आप कूल नहीं बनोगे तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई प्यर प्रेशर नहीं होगा आपका मन है आपको लगता है कि हाँ मुझे इन सारी चीज़ों में डच होना चाहिए या फिर कुछ भी तो फिर आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो मतलब इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप क्या चाहते हो आपकी क्या फीलिंग है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ फ़ोकस करना है कहाँ फोकस नहीं करना है तो कोई प्यर प्रेशर नहीं होगा आपके आपके ऊपर अंटिल एनलिस कि आप एक टॉक्सिक ग्रुप में ना हो सिंपल अगली चीज़ की वेरी एडवेंचरस होती है कॉलेज लाइफ बहुत सारे ट्रिप्स होते हैं बहुत पार्टीज़ होती हैं क्लबिंग होता है फलाना ढंगाना तो यार ये भी टोटली totally आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ट्रिप्स कर रहे हो आपकी फ्रेंड आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है वो ट्रिप वो कर रहा है प्लान नहीं कर रहा है वो लोग पार्टी एनिमल्स हैं क्या हैं तो आपके ग्रुप पर डिपेंड करेगा आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना पार्टी करोगे कितना पढ़ाई करोगे कितने ट्रिप्स करोगे ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा मेरी मानो तो आई विल सजेस्ट कि आप सब चीज़ों का बैलेंस बना के चलो थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा कर लेना बाकी सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कम कर लेना बट हाँ बिल्कुल ऐसा मत करना कि सिर्फ बुक वॉम के रह जाओ खाली पढ़ाई 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 ऐसा मत करना सो so, हेयर मैंने करा है ये कुछ मतलब ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही टच करा है कि अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो मैं रिप्लाई कर दूंगी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग